करे मुरली बन माल यह मानिक मोह मन बचो कुंज बिहारी को लाला अले la la
दूसरा बड़ा वाला कहाँ है? ए विनर का बुलाए नहीं, थोड़ा बुलाए नहीं। हाँ भाई, अरे सिस्टर, ऐसा ना तो हनी का सबन करो, और हर बुकल फेंकना नहीं है, अब हनी का सबन करो। अब लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में परिक्रमा करते हुए जहाँ आए हैं, ये स्थान का नाम सासरी खोर। हम लोग भानुखोर में आचमन करके आए। भानुखोर वही स्थान है जहाँ विश्वानु वह प्रतिदिन स्नान करते थे। कभी कभी विश्वानु महाराज को राधा जी भानुखोर में प्राप्ति हुई थी, किसी कल्प में, और इस कल्प में रावण में प्राप्ति हुई। ये सासरी खोर में कितनी सुंदर लीला है, और नाम क्यों सासरी खोर है, इसके बारे में श्री श्रीधर महाराज हम लोग को श्रवण कराएंगे। श्री श्रीधर महाराज, हरे बोल, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतमिराम दत्त ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में श्रीधाम ब्रज मंडल परिक्रमा करते करते अभी यहाँ पर आए हैं। ये स्थान का नाम है बरसाना। बरसाना मतलब क्या है तुम्हारा? जब ये बरसाना का मतलब क्या है? बोले जहाँ पर श्री राधा रानी की प्रेम रूपी बारिश जहाँ पर होती है। और कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड महाराज जी। हरे कृष्ण। जहाँ पर कृष्ण ओम परात्पर तत्व होने पर भी अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी जहाँ पर ब्रजवासियों की, जहाँ पर श्री राधा रानी की प्रेम रूपी बारिश में श्याम सुंदर भी जिसमें भीग जाते हैं, इसलिए ये बन का नाम है गौहर बन। गौहर मतलब क्या है? बोले राधिका भाव गंभीर। राधा रानी का जो भाव है यही गंभीर है, इसलिए राधा रानी की भाव इतने गंभीर है जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर भी जिनकी प्रेम रूपी गंभीरता को स्पर्श नहीं कर पाते। इसलिए कलयुग में वो स्वयं राधा रानी की भाव और अंग कांतियों को लेकर के श्री सच्चिदानंदन गौर हरि रूप में आए, और वो राधा रानी का जो प्रेम रूपी गंभीर रस को आस्वादन किया है। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की। और जिस गली देख रहे हम आए हैं, ये गली का नाम है रंगली गली। रंगली गली का मतलब क्या है? जहाँ पर श्री श्याम सुंदर अपना सखाओं को साथ में, ब्रज गोपियों को साथ में जहाँ पर होली खेला करते थे। हैं, वो होली कि, होली किस चीज की होली है? जो गुलाल रंग, कभी गुलाल रंग किया है? बल्कि ये अनुराग का रंग है। जहाँ पर श्री राधा रानी अपना अनुराग रूपी रंग में श्री श्याम सुंदर को भिगो देती है, और श्याम सुंदर भी अपना अनुराग रंग को द्वारा उन्होंने श्री राधा रानी और ब्रज गोपियों को जो भिगा देती है। इसलिए अभी हम जहाँ पर आए हैं, कभी ये सांकेरी कौर है, आप जो उस तरफ में बैठे हैं, कभी ये ब्रह्माचल पर्वत है, और इस तरफ में जो पर्वत है इसका नाम श्री विष्णु पर्वत है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर पर्वत रूप में स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। बोले क्यों प्रकट हुए? बोले ब्रह्मा जी जिस समय कृष्ण का बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी की, साधारण बालक मान करके, लेकिन बाद में जो पता चला ये कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म परात पर तत्व। इसलिए ब्रह्मा जी जब उन्होंने स्तुति की, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम
जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। उन्होंने जब ब्रजवासियों को महिमा को उन्होंने समझे, कृष्ण ब्रजवासी कौन है, बोले जो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म ये सनातन है कृष्ण, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी ये ब्रजवासियों का क्या महिमा, जहाँ पर ब्रह्मा भी कहते अहोभाग्यम अहोभाग्यम, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन्होंने अहो अहो शब्द को उन्होंने दो बार उन्होंने प्रयोग किया। बोले क्यों दो बार प्रयोग किया, बोले ब्रजवासियों का जो प्रेम है इतने अथाह है, जैसे किसी आश्चर्य चीज को देख करके हम आश्चर्य आए, क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य है, इसलिए ब्रजवासियों का महिमा को उन्होंने समझे। बोले अहोति धन्ना ब्रजोगर मन्या, बोले ब्रजवासियों का क्या महिमा, बोले क्यों, बोले कृष्ण स्वयं परात पर तत्व है, तो ये भी जहाँ पर बछड़े बन करके सारे गैया की स्तन पान करते हैं, जहाँ पर ग्वाल बाल बन करके सारे माताओं का स्तन कृष्ण स्वयं पान करते हैं, इसलिए उन्होंने ये ब्रज की महिमा को उन्होंने समझे, ब्रजवासियों का महिमा को उन्होंने समझे। समझ करके उन्होंने लास्ट में बताए तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अटप्याम जत गोकुल कथमांग्री रजो विषयकम। लास्ट में ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं क्या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा, बोले किस चीज की सौभाग्य, कृष्ण कहते क्या चाहते हो, क्या मेरे ग्वाल वाला बन जाओगे, बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा इतना सौभाग्य किया जो कि आपका ग्वाल वाला बन सकते हैं, बोले यहाँ का कोई फिर पेड़ पौधा लता पता नहीं तो कोई पशु पक्षी बन जाओ, बोले नहीं 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 नहीं, हम इतने सौभाग्य नहीं किया, क्योंकि ब्रज का जो लता पता वृक्ष है ये सब के सब कृष्ण की अनुकूल रूप में उनकी सेवा करते हैं। बोले फिर चाहते हो क्या, बोले मैं चाहता हूँ ब्रज का बाहर जो छोटे व्यक्ति रहते हैं उनका घर को सामने में पत्थर बनना चाहता हूँ, जब वो अपना घर में प्रवेश करेंगे कम से कम पत्थर मान करके अपना चरण को रगड़ेंगे, कम से कम छोटे जातियों का चरण का धूल मिल जाए तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी आप इतने बड़े ब्रह्मा हो, हाँ दुनिया को सृष्टि करने वाले, आप इतने तुच्छ चीज को कैसे प्रार्थना करते हो, इतने छोटे चीज को। ब्रह्मा कहते जत मुकुंदम जीवित अपी, कहते ये ब्रजवासी साधारण, ये ब्रज का जो बाहर छोटे जाति रहते हैं ये साधारण नहीं, बोले श्रुतियां भी जिनके चरण की धूली बनने के लिए श्रुतियां भी प्रार्थना करते हैं, मैं क्या श्रुतियों से ज्यादा सौभाग्यवान हो गया, जिनका जीवन जत मुकुंदम, इनकी जो हंसी कुंद पुष्प जैसा हंसी यही जिनकी जीवन है, इसलिए ब्रह्मा जी ये ब्रजवासियों का महिमा को उन्होंने समझे। समझ करके इसलिए हमारे भागवत का जो प्रथम श्लोक में बताया तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवय मुझंती जत सुरयो, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को हृदय में सारे तत्व ज्ञान को ब्रह्मा जी को हृदय में उन्होंने सब कुछ उन्होंने स्फूर्ति प्राप्त कराया, ब्रह्मा जी को हृदय में स्फूर्ति प्राप्त कराया, इसलिए ब्रह्मा जी, इसलिए हमारे आदि गुरु कौन है ये ब्रह्मा जी, बोले क्यों, चार संप्रदाय था महाप्रभु सब संप्रदाय में गए लेकिन किसी संप्रदाय को ग्रहण नहीं किया, लेकिन उन्होंने केवल इसी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को ही स्वीकार किए। बोले क्यों स्वीकार किया, बोले कारण है ये ब्रह्मा जी के हृदय में ये ब्रज प्रेम प्राप्ति की इनके हृदय में लालसा है, और उन्होंने देखा कथि मंथन दंड देखा उसमें ब्रज कुछ भाव देखा, इसलिए महाप्रभु ने ये ब्रह्म संप्रदाय को महाप्रभु ने स्वीकार किया है, इसलिए जो वो जो पर्वत है ये ब्रह्माचल पर्वत है, ये ब्रह्मा स्वयं पर्वत बन करके बरसाना में राधा रानी को कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ब्रह्माचल पर्वत बने, और इधर जो पर्वत देख रहे हो कभी ये विष्णु पर्वत है, ये विष्णु भी पर्वत बन करके आए, बोले विष्णु क्यों बने पर्वत, तब ये हमारे कथ अनंत संहिता में ये कथा आती है, कभी श्री अनंत देव महाविष्णु के पास में गए, बल आपका आशीर्वाद से हमने सारे धाम तक गए लेकिन अभी मैं ब्रज में वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाए, स्वयं विष्णु कहते हैं बोले तुम्हारी बात क्या, मैं स्वयं विष्णु होते हुए भी मैं भी ये ब्रज धाम में प्रवेश नहीं कर पाया, कारण तो कसाई खीरो दसाई गर्भो दसाई, ये लोग भी ये ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाए, स्वयं लक्ष्मी जमुना का उस पार में बैठ करके विहाय कामान सुचिरत भृत व्रता कठोर तपस्या कर रहे हैं, जहाँ पर उद्धव गुल्म लता बनकर के तपस्या कर रहे हैं, जहाँ पर शंकर गोपी बनकर के चाहते हैं प्रवेश करने के लिए लेकिन उन्हें भी प्रवेश नहीं हुआ है,
इतने में फिर अनंत देव कहते हैं, अरे क्या ये ब्रज में हमारा प्रवेश नहीं होगा, वृंदावन में हम जा नहीं पाएंगे वृंदावन में। कहते हैं हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय? बोले जब तक ये गोपियों की अनुगत कोई नहीं करेगा तब तक ये ब्रज धाम में प्रवेश निषिद्ध है, जा नहीं सकते। बोले भैया ये गोपियों का प्राप्ति भी साधारण वस्तु नहीं, इनके भाव भी साधारण वस्तु नहीं, फिर इनको प्राप्त नहीं कर सकते, ये ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले सबसे एक सरल उपाय है। बोले क्या उपाय है? अभी उसी ब्रज प्रेम को देने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के अभी श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए। वो जो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने सबको प्रदान कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा वीर बांछित ज प्रेम जगते फैली लढ़ाली कंगाल पैया खाइल नाचिया बाजाइया करताली ए मान गौरंग बिना नहिया। इसलिए केवल एक उपाय, कोई नवद्वीप धाम में जाए, वहां पर परिक्रमा करे संतों की अनुगत में, वो लीला स्थली को जाए, वहां का चरण धूलि लगाए, बास अपने आप गौरव प्रेम रसार नवे सतरंग जवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। अगर महाप्रभु का प्रेम रस में कोई गोता लगाए धाम में जाए तो अपनी आप उनको राधा कृष्ण का प्रेम में अपनी आप प्रवेश हो जाएगा। इसलिए आप लोग जैसे ब्रजमंडल में आए हो, सबके सब कोशिश करना, सबके सब श्री नवद्वीप धाम में आने के लिए। बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। ये जो रास्ता आप लोगों ने देखा दोनों पर्वतों के बीच में, इसका नाम है सांकरी खोर। सांकरी मतलब होता है पतली, खोर मतलब होता है रास्ता, जहाँ पर ऐसे एक रास्ता है। अब जब जाओगे देखोगे एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति जा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले प्रेम गली अति सांकरी जाए में दो ना समाए। इसलिए जो प्रेम का गली है वो अत्यंत पतली गली है, वहां पर दो नहीं समा सकते, केवल एक ही समा सकते। मतलब क्या? एक मन से मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु, एक निष्ठ हो करके राधा रानी के चरण को आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो प्रेम रास्ता पर कोई चल जा सकते, नहीं तो उसका अंदर। लेकिन हमारे कुछ कुछ भक्त है, गुरुदेव से हरिनाम लिया सब, अभी करुआ चौथ क्या बोलते हैं, करवा चौथ करती हैं। अभी नवदुर्गा की व्रत आता है, उसमें नवरात्रि भी करते हैं, गणेश चतुर्दशी आएगा। नहीं, कृष्णा जैसे तीन जगह से टेढ़े है ना, इनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है। अगर इधर उधर करोगे तो फिर कृष्णा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, बोले अभी मेरे प्रति तुम्हारी विश्वास नहीं। इसलिए प्रेम रास्ता में जाने के लिए हमें एक अनिष्ट राधा रानी की दासो का स्वीकार करोगे तो तब भी जाकर प्रवेश कर सकते हैं। यहीं पर कृष्ण सखाओं को साथ में, ग्वाल वालों को साथ में कृष्ण यहीं पर गोचारण करने के लिए यहीं आया करते थे। एक दिन सखाओं को बड़े भूख लगी, बोले कन्हैया खाने पीने का कुछ व्यवस्था करो। बोले चिंता क्यों करते हो, आओ मेरे साथ में। कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर के यहीं पर आए और एक गोपी मटकी में दूध दही मक्खन लेकर के आ रही थी। इतने में कृष्ण क्या किया, ये पहाड़ के ऊपर में चढ़े, उठाया पत्थर और मारे मटकी में। मटकी में मारते मटकी फूट गई। वो जो गोपी आती एकदम दूध, वो गोपी एकदम दूध दही में एकदम वो गोपी स्नान कर ली, वो अकेली थी। सखाओं ने लूटपाट करके सबके सब खा गई। इतने में वो सखी जा करके उनका प्राइम मिनिस्टर को, बोले श्रीमती राधा रानी से शिकायत करती है। बोले क्या शिकायत करती है? बोले मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरे नंद जू को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला, सभी मैया के सज सभी बाबा के सज सभी मैया के सज सभी मैया के सज राज्य में आ करके और हमारे सखियों को पर अत्याचार हम छोड़ेंगे नहीं। देखो आज दूध दही मक्खन खा कर गए ना, उनको मुंह में
उसका रस लगा हुआ है, कल भी ऐसे करेगा। एक काम करना, कल हम सबके सब जितने गोपियां ये झाड़ियों में जाकर कुंज कुंज में छुप जाएंगे, और आज जैसे तुम गई थी कल भी ऐसे दूध दही लेकर के जाना। अगर वो फिर आक्रमण करे ना, फिर हुइसल बजाना, फिर देखना हम क्या करते हैं। यहीं पर जब जा रहे थे, फिर तो एक दिन पहले खा करके गए, मुंह में उसका स्वाद लगा हुआ। फिर जब कृष्ण सखाओं के साथ में आक्रमण किया, वो गोपी ने हुइसल बजाई। बजाई तो जैसे चारी तरफ से पुलिस एकदम घेर जाते हैं, ऐसे सारे सखियां चारी तरफ से सारी सखियां घेर गई। घेर करके सब सखाओं का किसका चोटी पेड़ में बांध दिए, किसका सखाओं का हाथ किसकी पेड़ में बांध दिए। बांध करके सखाओं ने कहा, भैया हमारी इसमें कोई दोष नहीं, हमारा जो लीडर है ना, ये श्याम सुंदर, हमारी ये लीडर श्री श्याम सुंदर है, इसे इनकी परामर्श से हम सब कुछ इनकी परामर्श से करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, कहते इनकी परामर्श से हमें सारे काम करते हो। ये तुम्हारी लीडर, ये काले कलुट है। बोले हाँ। बोले इसको पकड़ो, इसको पकड़ करके लहंगा चुनरी पहनाए और फरिया पहना करके सर के ऊपर में दूध दही की मटकी रख दिए, और एक गोपी पहाड़ के ऊपर में चढ़ करके गई और उठाया पत्थर और मारे मटकी में। मारते ही मटकी फूट गई और कृष्णा दूध दही से कृष्णा एकदम स्नान कर लिए। बोले और कभी ऐसे करोगे? कृष्ण कान पकड़ते हैं, बोले एक से एक बार उठबैठ करो। भगवान उठबैठ करवाया। भगवान बोले और कभी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर कृष्ण परात्पर तत्व है, लेकिन ये परात्पर तत्व होते हुए भी जिसके लिए कहते हैं ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यान ताही आहिर की छो दिया छठिया पर छात पे नाच न जावे। ऐसे परम ब्रह्म को बोले क्यों ये परात्पर तत्व होते हुए भी इनके प्रेम में क्यों बंध जाते हैं? कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान के अंदर में जितने भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक विशेष गुण है भक्त वात्सल्य। भगवान भक्ति को सामने इतने रीझ जाते हैं, कहते कव्य कृपा पावे वा के पार और प्रेम लदिया की सदा उल्टी बहे धार। जहाँ पर परात्पर तत्व होते हुए भी इनकी गोपियों की प्रेम को सामने जहाँ पर रीझ करके हाहा खाते हैं, जहाँ पर उनको चरण में गिरते हैं। बोले इसका मतलब नहीं छोटे हो गए इसे नहीं, लेकिन इनके अंदर विशेष गुण है भक्त का प्रेम में बसीभूत हुआ है। इसलिए यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी लीला हुई है। हम लोग गुरु जी के अनुगत्य में, वैष्णवी का अनुगत्य में यहाँ पर आए, यहाँ का चरण धूल को स्पर्श करे, और ये ऐसे गौर बने। गुरुदेव कहते थे यहाँ पर कृष्ण भी अगर यहाँ पर आए तो वो अपना रूप में नहीं आ सकते थे, क्योंकि राधा रानी के साथ में तो शादी हुई नहीं जो कि उनके साथ में आकर डायरेक्ट मिले। इसलिए पराग पर तत्व कभी कभी पाली हारनी, कभी चूड़ी बेचने वाली, कभी चरण दबाने वाली, कभी डेकोरेशन करने वाली, ऐसे ऐसे रूप में आते थे। हम आगे जाएंगे तो दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ को दर्शन करेंगे, कैसे कृष्णा कैसे तरह तरह रूप में राधा रानी को पास में आकर के मिलते थे और उनके साथ में प्रेम रस का आस्वादन करते थे। इसलिए यहाँ पर सबके से प्रणाम कर धुन लगाओ। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। देखो कृष्ण सखाओं कैसे बांध लिया गोपियों को, देखो हरे कृष्णा। ए बच्चे ये तो कॉस्टलेस मानस्य अब श्री गुरु एंड वैष्णव Our Adi Guru, creator of this universe, four-headed Brahma ji himself became mountain. Hey, आप लोग कहाँ जा रही है? बैठो। कहाँ जा रही है दिल्ली वाली? बैठो।
जाके तो लंबे का छोना दिल ले लगी मरेगी सब तो समय डिसाइड विष्णु हिमसेल बिकेन माउंटेन सो वी आर सो फॉर्चुनेट वी केम इन दिस संप्रदाय देर आर फोर संप्रदाय इन कलीजु दस देव इन द्वापर युग ही प्रेडिक्टेड अपकलो भविष्यन्ति चत्तार संप्रदायिन इन कमिंग कलीजु देर आर फोर प्योर संप्रदाय One Sampradaya start from Ganesha Fortune Lakshmi Devi. He is so prominent Acharya Ramanuja Acharya. And Brahma, Brahma means the creator of this universe, four-headed Brahmaji. He create one universe, is prominent Acharya. Take one Sampradaya, is prominent Acharya, Sri Madhya Acharya. Sri Brahma. Hey, hello Bhakkara. Then Rudra, Sri Brahma Rudra, Rudra means The devastation deity of this universe, Shivji, he create one sampradaya, his prominent acharya, Sri Vishnu Swami. Then third one, Sanak sampradaya, the first son of Brahmaji, create from mind, is Sanak. Their four children, Sanak, Sanandan, Sanatan, Sampradaya, Sanak, Sanandan, Sanak Kumar, they combine became one unit. Sanak is the first one, so called Sanak Sampradaya, Asatatsana Sampradaya. They are prominent Acharya Srinimbaditya. So why Mahaprabhu, being Supreme Godhead, why accept this Sampradaya? There are two reasons. One is theory and another is according to Ras. In these four Sampradayas, Samad Suddhadvaita, Samad Visishtadvaita, Samad Daitadvaita, and only Madhvacharya Dvaita. Dvaita means realism and Visishtadvaita specialified monism. Dvaita Dvaita, monism and dualism. So every year monism is there means Mayabad. So when the monism will be there, none can achieve pure prem. So Mahaprabhu saw here dualism only, means Sevva and Sevak Bhav. Without Sevva and Sevak, none can achieve prem. Sevva Sevak Bhav Vinuna Bhavaya Tarayuru God. So two Karan, one is theory and now Rasa. Of the Lakshmi Sampradaya, they are worshipful deities, Lakshmi Narayan. Now they have two sections, one is Ramayat, another Ramanandi. One serving Ram Sita, another serving Lakshmi Narayan. Another Sampradaya, they are Vishnu Swami, they are worshipful deities Nisimhadev. And here in Nimbaditya Sampradaya, the Rasulti, Dharakadis and Rukmini. But here, Rasulti is Dodhimanthan, Dandadrik, Brahma, means Krishna in Balgopal form, holding the churning stick of Mother Yasoda. So only here Brajabhav, nowhere else. And Mahaprabhu want to preach Brajabhav. Premras, Nirjas, Karite Asadan, Ragmarga, Bhakti Loke, Karite Pracharan. You want to realize the essence of Premras, means Radhika's mood. And Ragmarga Bhakti Loke Karita Pracharan want to preach Ragmarga Bhakti. What is Ragmarga Bhakti? First have to know Rajatmik. Iste Sarasiki Raga Paramavishtata Bhavet Tanvaija Bhavet Bhakti Sapto Rajatmika Dita. Which eternal associate of Krishna. They are mood called Rajatmik mood. And Rajatmika Manusrita Yasa Raja Nuvet Chate. Who want to follow exclusively the mood of Rajatmika? And doing practice here, they call Raganuga. So, Ragmarga Bhakti Loke Karita Pracharan. So, for these two reasons, Mahaprabhu, one is theory, that there is no monism, another according to Ras Brajbhav. So, Mahaprabhu adopt this Sampradaya. This is Sakri Khor. Sakri means very narrow, Khor means passage. So, Krishna always want to make joke and make fun with Brajgopis. So, once Krishna is raising cows here and there, So here had to pass, hardly one can pass through. So what happened? Krishna and Sakas raising cows, Sakas became hungry. So don't worry. They blocked here and told, Paisa pheko, tamasa dekho, na dusra rasta dekho. So Gopi are taking yogurt and butter and ghee, all milk products. Some grown people are telling, Kanaiyaji ko accha lagi, dadi bechan ko radha chali. Gurudev call is completely bogus. Srimati Radha Thakurani is very beautiful, handsome, attractive and very lovely daughter of Vishwanu Maharaj. Why Vishwanu Maharaj sells
milk products? No. And brush they are not selling at all. Why Vishwanu Baba sending his daughter and other Gopa sending their daughter? Because so many munis is doing jagga. Bhaguri Muni. They are sending milk products with their daughter. Why? Then they can get blessing and they can very new, very beautiful bridegroom. For that they are coming, not for selling. So Radhika, Lalita, Visakha all are passing through. Krishna check. She has to pay tax here. You don't pay tax, you cannot go away. But Jodhyar Mulluktar might is right, Krishna by force took. And okay, and all gopis became very harassed. Then they held a meeting. Radhika is there, Lalita is the main solicitor. Tell, okay, we can do something. Did for that, that. You know, what is this? This for that? What that, what you did as before? So that all okay. Today, tomorrow, only one gopi will pass through. And all we hide here and there behind bushes. First, you can pray if not listening, then give some signal. Then we'll do rest of the job we'll do. One gopi is coming. The sokhis are hiding here and there. Jaise kisi बाघ को कुछ मनुष्य खाए तो खून लग जाता है वो कहीं देखने पर पकड़ता है साचे हुए दे वन दे लुटेड सो दिस टेस्ट इज इन देयर टंग एंड दे वांट टू मेक फन ओनली वन गोपी इज पासिंग थ्रू एंड कृष्णा सखास कैन हाई यू हैव टू पे टैक्स ही टोल्ड देखो डोंट हैरास मी टुडे आई एम अलोन माय सखीज ऑल गॉन वेल ऑल गॉन यस ऑल गॉन नो वन इज हियर इफ आई विल डिले Then my mother-in-law and father-in-law, they can doubt on me. So please, I am praying to you, don't harass me. But how they listen? They by force want to take it down. The meantime, that gopi makes some sound and Lalita blow the whistle. All the blood gopis here and there catch him. And what to do now? Sugal telling Madhubangal, please excuse me. I don't know this black fellow told this. Please give me laddu, I shall give it this black fellow's company forever. But no, today you not allowed to go anyone. Then they tie the sikha of Subal and Madhumangal, like Krita Maharaj tie his sikha here. They tie on Krishna, then Lalita and Radhika told him some gopis. They brought some lower cloth, means chundari and upper cloth. They dressed Krishna very nicely, like a new bride and put vermilion and chlorine and everything and they give one pot on the top of Krishna's head. Now we can pass through. Krishna is passing and Lalita take one broken stone and throw it and it's broken down and Krishna took off. He said completely jagat. Will do any more? You know I am asking forgiveness. Hold your ear and sit down and up. Krishna did, okay, I'll not do any more. So this is the place. Why we came, we pray to this Leela, we pray to Srila Gurudev, which good guidance is to come. So we will pray to Srila Gurudev on this place. This pastime must manifest in our heart one day. Hare Krishna. Pancha Kalpataru Pashtya Pupa Sindhu Bhaya Bachan Patitanang Bhavane Bho Bhushtavi Bho Namo Namo. Ekhon Bangla Hari Kata Habe. Amra Ekhane Jalkhalar Khar Pare Barsana Mandire Jabo. ওখানে প্রণাম করে এসে নিচের মধ্যে হরি কথা হবে ওখানে কেউ ব্রাহ্মণ এসে ডোনেশন চাইতেও দিবেন না আমলোক ইধার প্রসাদ পানে কে বাদ আমলোক যায়গে বর্ষনা মন্দির উধার প্রণাম করকে নিচে